फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी बंदों ने फ़ोन करके बताया कि भाई आप एक ईडी सिरेले का जो गाड़ी है उसके ऊपर कोई वीडियो बनाओ, कोई इन्फॉर्मेशन दो। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है, तो आप पूरा देखें इस वीडियो को, आपको अच्छी खासी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन 5 रिले में से एक भी रिले कोई ख़राब होता है तो गाड़ी पे क्या इम्पैक्ट होगा। ऑक्सिलरी स्टार्टर रिले है, स्टार्टर स्विच रिले, इग्निशन रिले, मेन रिले और होल्ड रिले। तो इन 5 रिलों को हम लोग बारी बारी से चेंज करेंगे इस रिले के साथ और लगा के देखेंगे कि गाड़ी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। देख सकते हो फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी स्टार्टर रिले का जो रिले है उसके जगह पे मैंने फॉल्ट रिले लगा रखा है, खराब वाला रिले। तो गाड़ी पे क्या इम्पैक्ट होगा देखते हैं। गाड़ी स्विच ऑन हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। इसका मतलब ऑक्सिलरी स्टार्टर रिले अगर खराब होता है तो स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे टकटक की आवाज़ आ रही है, इसको मैंने खोल रखा है, 24 वोल्ट का होता है। तो उसकी जगह पे मैंने अभी रिले लगा रखा है। अभी देखते हैं गाड़ी में क्या फॉल्ट आता है। या इग्निशन स्विच के पास स्टार्ट नहीं हो रही ना, रिले टकटक बोल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड हो गया है। खराब वाले रिले को मैंने अभी इग्निशन रिले की जगह पर लगा रखा है। अभी देखते हैं स्टार्ट करके क्या होता है कहानी। देख सकते हो मैं सेल्फ में लगा रहा हूँ, अभी सेल्फ मार रहा हूँ, सेम कहानी हो रही है जो ऑक्सिलरी स्टार्टर रिले के साथ हो रही थी। रिले टकटक कर रहा है। फ्रेंड्स, मैंने अभी मेन रिले हटा रखा है, उसकी जगह पे खराब वाला रिले लगा रखा है। अभी देखते हैं सेल्फ घुमा के, सेम कहानी, रिले टकटक मार रहा है। सबसे लास्ट वाले रिले की, होल्ड रिले की, इसकी जगह पे मैंने खराब वाला रिले लगा रखा है। ये होल्ड रिले है, 12 वोल्ट का होता है। वो भी सेल्फ मार के देखते हैं, इसमें लाइट आ गई तो ये गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। देखो मतलब क्या है, इसमें से अगर सिर्फ होल्ड रिले ख़राब है तो भी गाड़ी स्टार्ट होगी, ये वाला होल्ड वाला 12 वोल्ट का। बाकी इसमें से कोई भी रिले ख़राब हो गया तो रिले टकटक करेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं। फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने खराब रिले को ऑक्सिलरी स्टार्टर रिले, स्टार्टर स्विच रिले, इग्निशन रिले, मेन रिले और होल्ड रिले की जगह पर लगा के देखा और आपको दिखाया कि गाड़ी में क्या फॉल्ट आ सकता है। अगर आपका होल्ड रिले ख़राब है तभी गाड़ी स्टार्ट होगी, बाकी 4 रिले में से एक भी कोई रिले खराब हो गई या मल्टीपल रिले खराब हो गई तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो बेटर होगा कि उसको रिले चेंज करें रेंज के हिसाब से और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।